नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवे में एक और नई ट्रेन शामिल हो चुकी है। तो मैंने जैसे ही नया ट्रेन, तो आप में से ज़्यादातर लोगों तो समझ आया होगा मैं कौन सी ट्रेन की बात करने वाला हूँ, बट जिन्हें नहीं आया उनके लिए बता दूँ कि एक हमसफ़र क्लास की ट्रेन आने वाली है। तभी सुन के आपको अंदाज़ा मिल ही गया होगा कि मैं कौन सी ट्रेन को बात करने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ सियालदह जम्मू तवी हमसफ़र एक्सप्रेस की। इस वीडियो में आपको दोस्तों इसकी टाइमिंग्स क्या है, कौन से डेट को चलेगी, कितनी ऑपरेटिंग स्पीड है, कौन से कोचेज हैं, रूट्स, इन सबकी डिटेल्स मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए जो शुरू करते हैं फटाफट। बात किया जाए सियालदह जम्मू तवी हमसफ़र एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन ऑपरेट करेगी 22317 और 22318 इन रिवर्स डायरेक्शन। ये ट्रेन एक वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है, मतलब वीक में एक दिन चलेगी। जो सियालदह जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से जम्मू तवी जो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, इसके बीच ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा देख रेख करी जाएगी। इस ट्रेन की डिस्टेंस कवर करती है दोस्तों 1949 किलोमीटर की। इसको एवरेज टाइम लगता है 34 आवर 20 मिनट्स। इसके करीबन पूरी जर्नी में 11 हॉल्ट्स हैं, 11 स्टॉप्स हैं। क्लासेस की बात करूँ इसमें दोस्तों, तो इसमें करीबन 16 एसी थ्री टायर के कोचेज यूज़ होंगे, एक पेंट्री कार और दो ईओजी। हम सफ़र में अब जाके पेंट्री कार का यूज़ हो रहा है, और हम सफ़र में आप सबको पता ही है दोस्तों कि सिर्फ थर्ड एसी का यूज़ होता है, कोई सेकेंड फर्स्ट या स्लीपर कुछ नहीं होता। एलएचबी रेक्स इसके अंदर लगे हुए हैं, और साथ साथ में आपको कुछ अलग से फैसिलिटीज़ भी दी जाती है बाकी ट्रेनों से, जैसे कि सीसीटीवी कैमराज, बायो टॉयलेट्स, वेंडिंग मशीन टी कॉफ़ी के लिए, और साथ साथ आपको एलसीडी स्क्रीन्स भी दी जाती है जिसमें आप देख सकते हैं ट्रेन की स्पीड के बारे में, अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, कितने किलोमीटर दूर है, सब जानकारी आपको उसके अंदर दी जाएगी। उसके बाद इसके अगर ऑपरेटिंग स्पीड की बात की जाए तो करीबन 57 kmph मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट स्पीड है, और 120 या 130 ऐसे कुछ इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। रूट्स या हॉल्ट की बात करूँ दोस्तों, तो ये जो है सियालदह से निकल के आसनसोल जंक्शन, धनबाद जंक्शन, गया जंक्शन, मुगलसराय, वाराणसी, लखनऊ चारबाग से होते हुए सीधा बरेली चली जाएगी, फिर वहाँ से मोरादाबाद, अम्बाला कैंट, लुधियाना होते हुए जम्मू तवी चली जाएगी। तो दोस्तों इसका जो कट रूट है ये लखनऊ से कन्वर्ट डाइवर्ट कर दिया बरेली थ्रू, पहले लगा था शायद ये दिल्ली होते हुए जाएगी, तो बट ऐसा नहीं है। लोकोमोटिव की बात करें तो वेब 4 या वेब 7 का लोकोमोटिव यूज़ होगा, फिर मतलब यहाँ से लुधियाना या कहीं तक इसका यूज़ होगा, अम्बाला कैंट तक शायद, उसके बाद इसमें WTM 3A का लोकोमोटिव यूज़ होगा टिल जम्मू तवी तक। टाइमिंग्स की बात करते हैं दोस्तों, 22317 जो है वो सियालदह से हर मंडे के दिन निकलेगी दिन में 1:10 पे, और अगले दिन जम्मू तवी रात में 11:30 पहुंच जाएगी। और 22318 जो है जम्मू तवी से हर वेनसडे को निकलेगी सुबह 7:25 पे, और सियालदह अगले दिन शाम में 5:45 पर पहुँच जाएगी। तब दोस्तों कोलकाता वालों को या वेस्ट बंगाल वालों को एक खुशखबरी ही है एक तरीके से, कि आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी सीधा जम्मू तक की मिल चुकी है ट्रेन के अंदर। अब आपको दिल्ली आके फिर वहाँ से ट्रेन दूसरी पकड़ो तब ये करने की ज़रूरत नहीं, अब सीधा वहाँ से आप ट्रेन लेके सीधा नॉन स्टॉप जा सकते हैं, और ज़्यादा फेयर भी नहीं होगा क्योंकि हम सफ़र के लिए भी रहरी व्रत या नॉर्मल एक एसी फेयर से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा भी नहीं है इसका फेयर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर।